नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये MP3 प्लेयर है। ये वीडियो वगैरह का जब शूटिंग होता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है, जब एल्बम वगैरह का शूटिंग होता है तो उसमें यूज किया जाता है। मतलब कि इसमें MP3 सॉन्ग को प्ले करके वीडियो का शूटिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये 9 वोल्ट से ऑपरेट होता है, यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी लगता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये 3-4 जगह से घूम चुका है, रिपेयर नहीं हो पाया और ये मेरे पास आज आया है रिपेयर के लिए। तो देखते हैं कि ये हमसे रिपेयर हो पाता है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपका समय को ख़राब न करते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। तो दोस्तों आपका समय ख़राब ना हो इसके लिए मैंने इसे पहले ही खोल रखा है। यहाँ पे स्क्रूप था और यहाँ पे स्क्रूप था और नीचे भी स्क्रूप था, इसमें LN की स्क्रूप जो लगा हुआ था तो मैं पहले ही खोल चुका हूँ ताकि आपका समय ख़राब ना हो। तो अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सारे कनेक्शन जो है जैक पर था तो ये जैक भी मैं खोल चुका हूँ। तो इसे कैसे ठीक करते अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको खोलने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका नंबर मालूम नहीं, ये जल चुका है। और यहाँ पे एक IC लगा हुआ है, ये 7805 IC है, SMD IC है, ये भी जल चुका है, देख सकते हैं ये फटा हुआ है। तो मेरे पास अभी 9 वोल्ट का एडाप्टर नहीं है, मेरे पास अभी 12 वोल्ट का एडाप्टर है। तो सबसे पहले इसमें जो है 12 वोल्ट का DC सप्लाई इसमें दे करके चेक करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट और ख़राब हुए हैं। तो अब मैं इसमें 12 वोल्ट देने वाला हूँ और 12 वोल्ट देने के बाद में हमें यहाँ पे चेक करना कि ये 12 वोल्ट हमारा जो है यहाँ मिल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं 12 वोल्ट ये हमारा नहीं मिल रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि आगे और भी कोई कंपोनेंट जो है शॉर्ट है। तो सबसे पहले ये जो 7805 IC लगा हुआ है इसको हम हटा दे लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये IC शॉर्ट होने की वजह से भी वोल्टेज जो हमारा ड्रॉप करता हो। तो दोस्तों यहाँ से 7805 को हटाने के बाद भी जो हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप कर रहा है और ये IC जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो हम ये IC को भी जो है खोल लेते हैं पहले। तो ये IC खोलने के बाद में दोबारा से मैं 12 वोल्ट का जो है DC सप्लाई इसमें मैं देने वाला हूँ और देखता हूँ कि शॉर्टिंग अभी हटा है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ का DC प्लग इन कर दिए हैं और यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करने वाला हूँ कि 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं ये सॉकेट पे। तो देख सकते हैं कि ये सॉकेट पे 12 वोल्ट मिल रहा है। दस वोल्ट के लगभग मिल रहा है। तो अब जो है मैं इसमें 7805 लगाने वाला हूं और 7805 लगाने के बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों 7805 ये जो था ये मार्केट में मिलता नहीं, तो इसके जगह पे ये IC मैं लगाने वाला हूं।
तो ये आईसी लगाने के लिए क्या करना है, तो इसका बीच वाला लेग को इस तरह से जो है मोड़ देना है और इस तरह से जो है यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो बीच वाले लेग पे जो है माइनस अप्लाई देना है। तो चलिए एक जम्फर के मदद से जो है यहाँ पे माइनस अप्लाई दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं ये 7805 लगाया हूँ तो यहाँ पे पैनल पे हमारा जो है डिजिट शो हो रहा है, मतलब कि ये ऑन हो गया है, बट अभी बहुत काम बाकी है इसमें। तो सबसे पहले मैं इसमें मेमोरी कार्ड लगा करके मैं चेक करने वाला हूँ कि ये मेमोरी कार्ड को प्ले कर पा रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं कि ये मेमोरी कार्ड को जो है प्ले कर चुका है। अब इसका ऑडियो जो है, ये जो आईसी था ये ऑडियो आईसी है, तो अब इसका जो है ऑडियो के लिए जो है, तो इसके लिए ये जो 6283 का जो किट है सिंगल आईसी का, ये डीटीएच वगैरह में मिल जाएगा या मार्केट में भी जो है मिल जाता है आसानी से। तो अब मैं ये लगाने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले तो प्लस सप्लाई देना है। प्लस सप्लाई यहाँ से है, आईसी के एक नंबर पिन पर प्लस सप्लाई जाता है, तो इसमें मैं प्लस सप्लाई दे देता हूँ। और ये जो है माइनस सप्लाई है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये किट में जो है 12 वोल्ट माइनस और प्लस सप्लाई मैं दे चुका हूं। अब इसमें स्पीकर का कनेक्शन मैं करने वाला हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्पीकर कनेक्शन करने के बाद में जो है ऑडियो आने लगा। तो अब इसको क्या करना है, ये हमारा प्री का कनेक्शन हो गया है, ऑडियो जिसे कहते हैं, तो ये प्री पर जाएगा। तो ये वॉल्यूम के बीच वाले प्रिंट पे लगाना है। तो देख सकते हैं कि ये हमारा वॉल्यूम है और इसके बीच वाले पे हमको लगाना है। तो देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम वगैरह सब काम कर रहा है और बज रहा है। और मैं आपको ये पैनल भी दिखा देता हूँ, ये पैनल भी हमारा वर्क कर रहा है। तो अब जो है दोस्तों क्या करना है कि ये स्पीकर का कनेक्शन जो हम यहाँ से दिए थे वो डायरेक्ट हमें यहाँ पे लगा देना है, ये जैक पे लगा देना है, सोल्डिंग कर देना है, ताकि बॉक्स का जो स्पीकर कनेक्शन है वो जैक पर है, ताकि स्पीकर का जैक जो है वो ये जैक पर आराम से जो है सेट हो जाए। तो आगे मैं सारा कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया उसी तरह से जो इसमें मैं कनेक्शन कर लिया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑडियो का वायर है और ये ग्राउंड है। ये वॉल्यूम के बीच वाले पे ऑडियो दिए हैं और किनारे वाले ग्राउंड पे ग्राउंड लगा दिए हैं। किट का जो है ये किट का ग्राउंड यहाँ वॉल्यूम पर ग्राउंड में मिला दिए हैं। और ये जो स्पीकर का वायर है ये यहाँ पे स्पीकर कनेक्टर पे मैं सोल्डिंग कर दिया हूँ। और इसमें माइनस प्लस जो है 12 वोल्ट माइनस प्लस यहाँ से तो दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। और देख सकते हैं कि सारा कनेक्शन हो चुका है। तो इसमें भी यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी जो है लगा हुआ है, तो अभी फिलहाल इसे मैं 9 वोल्ट से ही बजाने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विच मैं दे चुका हूँ। और ये स्विच देने के बाद में देख सकते हैं कि ये प्ले हो चुका है। तो देख सकते हैं कि इसका आवाज़ भी ठीक ठाक है। और ज़्यादा देर मैं सॉन्ग को प्ले करके नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट लग सकता है। तो
अब मैं इसको कसने वाला हूं और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कुछ सुझाव देना तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।